हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी विच इज़ प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो बिफोर लर्निंग अबाउट दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न एंड कैटेगराइज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। सो बेसिकली द इंडियन इकोनॉमी फॉलो मिक्सड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट। So the according to this, there are two type of sectors can be categorized from Indian economy. First one private sector and second one public sector. इसके बाद जो private sector है ना, उसके भी अपने अलग अलग formats हैं, और जो public sector है इसके भी अलग अलग अपने roles हैं, तो इनको भी हम लोग further classify कर सकते हैं। तो private sector के types में पहला है बच्चों proprietor, sole proprietorship, partnership, joint Hindu family, cooperative society, joint stock company और MNC। इनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कि जहाँ पे सिंगल ओनरशिप हो, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हो, प्रॉफिट रिस्क शेयरिंग करने के लिए कोई पर्सन ना हो, सिंगल पर्सन ही, सिंगल जो ओनर है वही सारी थिंग्स को बियर करने वाला पर्सन हो वहाँ पर, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैंने नीचे ले रखे हैं। पहला है लोकल रिटेलर, जैसे ब्यूटी पार्लर की शॉप का कोई ओनर है, टेलरिंग शॉप का कोई ओनर है, तो ये सब को हम लोग सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो किसके पार्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पार्ट्स होते हैं सोल प्रोप्राइटर्स। फिर दूसरा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जैसे कि सीए फर्म्स हो गई, लॉ फर्म्स, रेस्टोरेंट, इन सबको पार्टनरशिप फर्म्स का एज एग्जाम्पल देख सकते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। देन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तो इसको भी जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली को, तो वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करा था कि जब किसी फैमिली के मेंबर, सारे मेंबर्स मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं, उसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फीचर है कि बिजनेस फ्रॉम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो ये जो इतने भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस होते हैं तो मोस्टली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से की हेल्प से ऑपरेट कर जाते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी उनको अपने पूर्वजों से मिली हो। इसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो जहाँ पे ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ जो पीपल्स हैं कम्युनिटी में, अगर वो किसी वर्क को स्टार्ट कर लेते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पे इनके टाइप होंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कोई बिल्डिंग है वहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट्स के सारे पर्सन ने मिलकर वहाँ पे कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रखी हैं, और कुछ ऐसी मतलब कंजम्पशन के पर्पज से, और कुछ जगह पे किसी थिंग को प्रोड्यूस करने के पर्पज से उन्होंने ओपन कर रखा है बिजनेस, उसको प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव कहेंगे। इसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है कि जब कोई दो बिजनेस मिलके कोई सिंगल बिजनेस फॉर्म कर लें, ओके, तो उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग कहाँ से देख सकते हैं बच्चों, लार्ज होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, ये सब जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। लास्ट में है MNC, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ऐसी कंपनी जो मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करें, इंटरनेशनली ऑपरेट करें, उसको MNC कहते हैं। तो MNC जैसे अपने यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री है, आदित्य बिरला, भारतीय एयरटेल, तो ये सारी MNCs के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज में वर्क किया करती हैं, तो ये इनको हम लोग ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी कहते हैं। तो MNC के बारे में हो गया। इसके बाद है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक वर्ड का मतलब होता है अपने यहाँ इकोनॉमी में गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के अंडरटेक थिंग्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो इसके एग्जाम्पल, इसको भी तीन कैटेगरी होंगी फर्दर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा कंट्रोल हो, मैनेजिंग हो, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों जैसे रेलवे, टेलीफोन, टेलीफोन में सारा सेक्टर नहीं, जैसे भारतीय एयरटेल में वो पब्लिक सेक्टर नहीं है, बट जैसे कि जो BSNL है, MTNL है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है। इसके साथ है फिर पब्लिक कॉरपोरेशन, और लास्ट में गवर्नमेंट कंपनीज। तो कुछ कंपनी जैसे होता है गेल, ठीक, फिर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इस तरह की कुछ कंपनीज होती हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, ओके? तो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, और इनके तीन फर्दर कैटेगरीज हो गई, और ये हो गया प्राइवेट सेक्टर कंपनी का कैटेगराइजेशन। और इन दोनों को मिला के जो थिंग्स बनती है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सड इकोनॉमी, और हमारे इंडिया में इसी तरह की इकोनॉमी को फॉलो करा जाता है, ओके? ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली में बहुत स्मॉल सा है भी, तो इसके जो मोस्टली टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखे हैं, और इसी की फिर बेटा जिसे बताया था कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबके फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स, और
फॉर्मेशन। तो ये आपको थिंग्स लिखनी है और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा, आपको समझाया भी। इस तरह से आपके नोट्स जो है कंप्लीट कर लें और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं ना। थैंक यू।